हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही पनीर बहुत ही आसान तरीके से, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए हमने दो टमाटर ले लिया है, काजू ले लिया है, तीन प्याज है, लहसुन है, अदरक हरी मिर्ची है। अब हम इसे काट लेंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक को हमने कुछ इस तरह से काट लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को हम बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, हल्का हल्का ही फ्राई करेंगे। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर को हमने कुछ इस तरह से फ्राई कर लिया है। कढ़ाई में से हमने थोड़ा सा तेल निकाल दिया है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। आधा चम्मच जीरा है, दो तीन लौंग, चार पांच काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दालचीनी, एक तेज पत्ता। इन सारे मसालों को डाल देंगे और हल्का सा इसे चलाते हुए भून लेंगे। और अब डाल देंगे प्याज। टमाटर डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, काजू डाल देंगे और इसे चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे ढककर पकने देंगे जब तक कि हमारा प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। टमाटर प्याज हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर के जार में डालकर पीसेंगे। हल्का सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे। मसालों को हमने पीस लिया है, अब इसे एक छन्नी से छान देंगे। इस तरह से मसालों को हमने छान लिया है। अब हम एक कटोरी में मसाले ले लेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको घोल बना लेंगे। अब कढ़ाई में तेल डाल देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए इसमें मसाले डाल देंगे। आंच को धीमा ही रखेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और अब हम ये अपने मसाले डाल देंगे, ये जो हमने पीस के रखे थे। अब आंच को मीडियम कर देंगे। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना अलग हो जाए।
अब इसमें नमक डाल देंगे। मसाले हमारी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें दूध का मलाई डाल देंगे। इसे भी चलाते हुए अच्छी तरह से 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। दूध डालने के बाद हमने इसे ढककर 5-6 मिनट पका लिया है मीडियम आंच पर। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमारा शाही पनीर बनके तैयार है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।